बहुत ही सुंदर जगह यहाँ देखी पार्थे के बड़ बड़ गच्छ सब मैंने गोटे बड़ गच्छ है जहाँ सब तो हवा कथा हो सारे करा कथा कर सारे लोक मैं कि आज से कहे साई मंदिर जी तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर ब्लॉग। तो फ्रेंड्स आज तो बहुत सुंदर डे तो आपण मैंने समस्ते ही जानते हैं आज हूँ गुरुवार आई मीन सात छः तारीख तो आज हूँ किसा ना आज हूँ से बोहू को ना पड़े आई मीन शाशु ना पड़े सहीपरिनी तो मैंने स्वामी मानी से ओसाटा करती तो सब स्त्री लोक मैंने तो समस्त स्वामी करेंगे तो लंबा आयुषपाई तो से बहुत ही आज बहुत ही बड़ सुंदर दिन आज तो डेरी नक चलतु आज ब्लॉग को स्टार्ट करवा तो चलतु डेरी नक आज ब्लॉग टी आम जल्दी जल्दी स्टार्ट करवा कहीं आज बहुत ही सुंदर दिन जेहेतु तो ब्लॉग ये जल्दी मैंने से मुझे आज बहुत मॉर्निंग रु ब्लॉग स्टार्ट कर समय हो मिनिमम पाखापाखि छटा ही बाजिगला तो मुझे तो गाधी ना कहीं ट्यूसन अच्छी तो से गाधेनि ओसा थे भी कह जेहेतु सीटा ड्यूटी मानने ड्यूटी तो से आज बेला बेली गाधी ना तो सब दिन तो गाधेनि आज कौन गाधेबी तो चलते ये जा तो देखा कौन कर छात पर भी आमर ए मैंने अधा लोक गाधे भी सारे लुगापटा शुक्ला ठाकुर घर आम पूजा हम चौदार बांध सारे ना तो चलते आम तल को जी तो देखा पिला मैंने कौन कर चढ़ई मैंने आम एटी आसिक खेल छात पर ठंडा लगुच ना तो से आस खेल आम छात पर तो मुझे जाऊँ देखो सब जिन थुआई तो आम तो घरे ओसा पालन हुए नहीं समस्त हो जाची किम घर बहुत ही भल होता तो से आम ठाकुर पाखक जी आई मीन महादेव पाखक तो से यहाँ हूँ मो शाढ़ी आटा हूँ बोर शाढ़ी तो अभी थुआई आती सफा सुंदर ही थुआई तो अच्छी भी चूड़ी हरिका भी थुआई तो सबकि पूजा हाँ जी तो पूजा होकर आसु पूजा आसला बेलू मुझे गाधे पड़ी तो देखो फ्रेंड्स मुझे पलि ट्यूसन घर को तो पाने समस्ते आसी सारे तो बिकी कि आसिक आंठे देखो फ्रेंड्स पाने समस्ते आसी ना नहीं टाइम है आसवाप तो से आस सारे बसई लिजे नहीं रिडिंग दौरान आए तो लबाड़ बजी दीटा आगे बोचान ना कौन लबाड़ बजी तुम दु जन ओसा कर नहीं कि ये हूँ लबाड़ आना टिके ये हूँ बजीच आई हूँ कपटेल आ कौन आम नंडु हूँ फिंस नहीं कि नंडु तुम फिंस न फिंस रंत ना छोट छोट दात भांगी जाइए विष्णु एक्चुअली आम नंडुर क्षीर खिया दात पड़ी नहीं कि नंडु सका सका मंकी मैंने भी आसीगले तो भी भोक शोष लगे तो से मैंने भी आसीगले घर घर बुलाई जेहेतु आज ओसा से मैंने भी ओसा करा स्त्री मान फल ने तो से बुला आई नहीं कि जब भौणी मान घर को ने स्त्री मानी ने तो से आओ तुम्हें नि तो फ्रेंड्स बर्तमान समय हो गला बारटा आम कि बाहर बर्तमान साई मंदिर ना कौन तो आज तो सावित्री जहाँ सब तो हवा कथा हो सारे करा कथा कर सारे लोक मैं कि आज से कहे साई मंदिर जाए तो आम साई मंदिर बर्तन बाहर जाए से गाड़ीटा देखी पार्थे बुलाऊँचे जबार एक्साइटेड पूरा अच्छा तो गाड़ीटा बुले दे तो चलते जी डेरी नक मंदिर जाए पलि खरा भी प्रबल जो हो गला जीवा तो सी गाड़ी बुले पकड़े जी चल नहीं जी तो चलते जी तो फ्रेंड्स देखी पार्थे मुझे बाहर सारे सी कि चढ़ई पाखक मन हटुनि तथा से चढ़ई पाखक पुणी दौड़ पूरा चश्मा फसमा पिंधिकी पूरा हिरो तो फ्रेंड्स आम बर्तमान से साई मंदिर में पहुँची जाइए देखिपारे परसरटा के सुंदर लगुच तो मुझे बुलेक आप देखा बहुत ही सुंदर जगह यहाँ देखिपारे के बड़ बड़ गच्छ सब मैंने गोटे बड़ गच्छ हो बसगले बहुत शांति लगे देखिपारे बहुत ही बढ़िया जगह आ सुंदर जगह ये लोक मंदिर भितर गले मुझे भितर जी देखिपारे सुंदर जगह है सूर्य जगह से पहाड़ पड़ जाए तो आगे पहाड़ पड़ जाए आपण मैंने देखा
तो फ्रेंड्स वर्तमान आम आसी पहुँचु देखिपे मंदिर में मुझे प्रथम नमस्कार कली आठ माइक बाजुच्छी बोली मत बाध्य भॉइस रेकर्ड पकड़ा पड़ा कारण कॉपीराइट स्ट्राइक आसना तो मुझे नमस्कार हो गली प्रथम लोपामंद कैमेराटा धरिकी तो नना गले पूजा करवाई ये देखिपे के जिनस लिखाई जाए तार परिसरटा केमी तो ये कबाटा भी बंद अच्छी कारण आलती चलो ना तो बाबा देखिपे के सुंदर लगुच लोपामंद्रा हेटी जाए नना को कौन कहते भोग करने कि ना दीप लगे कहते तो बाबा के सुंदर लगुच देखिपे तो केते पूरा आकर्षण लगुच शांति लगुच मुझे भाषा मध्यम तो नना तो बर्तमान आलती करेंगे आलतीर समय हो गला आम आसिक बास आज ठीक टाइम पहुँची जाइ तो आज जो शांति लगुच ना तो शांति बहुत दिन पर आमको मिलला तो नना कहते दीप शीघ्र लगे दिव आलतीटा करवा तो नना बर्तमान ही आलती रेडी कर तो देखिपे बाबा एटी अच्छा एपट सैड्रे द्वारका मई लिखाई कि लोपामुद्रा जाए से कौन कले ना दीप लगे देखिपे दीप आज जेहेतु सवित्री तो से स्वामी मंगल कामना कर दीर्घायु हाँपी कौन बोधे मुझे भावुचे या कौती कि कौन कहते हैं मन मन सीटा सी हिं जाना तो कितु अति भक्तिर सहित से देखिपे कमी दीपटा को लगोन ही आठ कि गोटे खासियत होती केवल पीतल ही आमर दीप लगी था कारण ये मंदिर में केवल पीतल दीप ही लगी था तो लोपामुद्रा हे पूजा दीप जालू जालू कान्हाबू आसिक पहुँची गले आज कान्हाबूर सवित्री तो कहीं ना कि सत्यवान कान्हाबू आसी पहुँची देखिए हसी हसी आंतु लोपामुद्रा से दीप लगोच दीप लगा सरी कि मनस्कामना पूरण होनी बोधे मन मन कौन से डाकुच ठाकुर को कान्हा कि बहुत खुशी है मत नमस्कार हाँपी आसते कि मना कले ना नमस्कार हूँ आज ठाकुर जगह नमस्कार हूँ तो सी आसी गाड़ी नहीं कि एकापुरा है तो बाबा देखापी प्रत्येक गुरुवार बोधे आसे कि आम आज आसीचु बहुत दिन पर जब भी ब्लॉग होता आपण मैंने देखिथे से आम आसलु तापर आज आसचु तो आस कान्हा बोधे रेगुलर आसे गुरुवार को गुरुवार जनापड़ी ताको देखिकी कारण प्राय गुरुवार को गुरुवार बोधे आसे पलैब चटकी बोधे भोग करमक लगुच लोपामुद्रा भी पलि आस दीप लगे एवं भोग कर समय तो भोग करेंगे लोपामुद्रा कि आलती समय आलती बर्तमान हम ये किसी क्षण आमको बसियापाई पड़ो नि 15-20 मिनट बसिया पड़ो से कथा लोपामुद्रा मत कहते तो देखिपे नना आलती आरंभ करते कान्हा ढाई तो आलती बर्तमान चलो बहुत समय नुहे बास 10-15 मिनट चलो कितु आमको बास बसवार अच्छे ध्यान सहित आ किसी भी नहीं कारण ये बस ले अलग प्रकार फिल मानने शांति लगुच इत शांति लगुच शब्द मध्यम कहवा तो असंभव किंतु अपूर्व मान गोटा अलौकिक शक्ति जमी आम पाखे बुलू से लगुच फिल हो कारण मुझा को मैंने पूरा जीवंत भाव अनुभव करबा अनुभूति को मुझे अनुभव कर तो आम आज एत भल दिन में आज हूँ सवित्री एत भल दिन में आम आज भल समय आँचु मानने बाबा आरती समय आम आँचु आगुरी आम बहुत थर आसु कि आलती समय के आसेन तो ये देखिपे के सुंदर जगह है मो पछपट देखिथे बाबा सहित आ जो लिखाई से मानने बढ़िया भाव में सजाई बाबा तो बहुत सुंदर लगुच लोपामुद्रा कि चेकासन कर बसी जाइंट आलती को पूरा स्मरण कर मन मन कान बसला अलग प्रकार शांति ये लगे तो कान्हा ढाई कि आलती किसी समय बस चलो आलती सरला आम भोग करूँ तापर जीव नना देखो आलती सरवा उपरे प्राय किंतु आलती रो किसी समय अच्छी ना तो से लगी निर्दिष्ट समय ना केमी सरजो से नना आलती करूँ देखिपर मंत्र पढ़ी मंत्र तो पढ़ा चलती माइक रे भी मंत्र लगी तो बर्तमान फाइनली नना बोधे मुझे भावुची आलती सरला कारण बहुत समय हो गला अलरेडी बोधे सरीगला मुझे भावुची आ नना भी पूरा झाल हो गल कारण गरम प्रचुर पड़ी ना किंतु एटी एसी भी लगी बाबा ईर पूरा किंतु एसी तो सब चल हेबना तो देखिपे के सुंदर लगुच आम दीज कि बसिक मजा ना फ्रेंड्स आम ये बर्तमान बस देखिए पूजा तो आलती तो सर लोपामुद्रा बस लोपामुद्रा मोर ये बस के शांति लगुच आम कहीपर बहुत दिन तले आसो आज आसो आप ब्लग रे देखी जब भी ब्लग होता साई बाबा मंदिर फास्ट नना कौन कहे से आसो आज आस बहुत ही शांति लगे ये शांति लगुच कहीपर माइक भी बाजी साई का भजन तो बहुत ही बढ़िया लगे तो किस समय बस भी जीव देखिए बाबा कितने सुंदर लगे पूरा देखिपे सुंदर मैंने बाबा केते सुंदरतार सह बसीपटे भी द्वारकमाईर आउ गोटे आस्थान बाबा एटी भी रही देखिए बाबा फटो मढ़ाई आर जहाँ सब रही कथा रही
ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମୁଦ୍ର, ଶ୍ରଦ୍ଧା ସବୁରି, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଏଠି କେତେ ସାରା ଫଟୋ ମଡ଼ା ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଦ୍ୱାରକମାଇ ଲେଖା ହେଇଛି, କେତେ ସାରା ଫଟୋ ମଡ଼ା ହେଇଛି। ଏଠି ପ୍ରଥମ ଫଟୋରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବାବା, ବାବା ଏଠି ବସିକି ହଁ କ'ଣ ଚକିରେ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଏଠି ସେକେଣ୍ଡ ଫଟୋରେ ବାବା ହେଇ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଛତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେ ସମୟର ଲୋକମାନେ, ଏଇଟା ସବୁ ସତ ଫଟୋ। ତ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବିତରଣୀ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାଣ୍ଡିରୁ କେବେ ବି ଖାଦ୍ୟ ସରେନି, ସାଇକା ଭଣ୍ଡାର ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ଦ୍ୱାରକମାଇ ଲେଖା ହେଇଛି ସାଇକା ଭଣ୍ଡାର, ମାନେ ତାଙ୍କ ହୁଣ୍ଡିରୁ କେବେ ବି ଖାଦ୍ୟ ସରେନି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାବା ଏଠି ବି ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ତ ରୋଷେଇକି ସେ ଚଲାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ହେଇଛି, ମାନେ ବାବା ଏଠି ବାବାଙ୍କର ଫଟୋ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଏ ଜାଗାଟି ମଧ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ ମୁଁ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବାବାଙ୍କ ପାଦୁକା ହେଇଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଥିଲା ନା, ପବିତ୍ର ବିଜୟ ଦଶମୀ 2023, ତ ସେ ବାବାଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ହେଉଥିଲା ସେ ଫଟୋ ଉଠିଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବାବାଙ୍କର ଫଟୋ ରହିଛି। ଆଉ ଏଠି କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାନର୍ରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ଲେଖା ହେଇକି କ'ଣ ସେଇଟା ପଢ଼ିବା, ତ ଲେଖା ହେଇଛି ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକ ରାଜାଧିରାଜ ଯୋଗୀରାଜ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାଇନାଥ ମହାରାଜ କି ଜୟ। ବା ବଳି ମୁଁ ଏଇଟା ଗୀତରେ ଶୁଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିଲି ପଢ଼ିଲି, ଆଗରୁ ବି ପଢ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଥର ଏ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରୁହେନି। ଆଉ ବାବାଙ୍କର ମେନ୍ କୋଟେସନ୍ ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମୃଦ୍ଧି ସବୁରି, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା ଆମେ ଜରୁରୀ, କାହା ଉପରେ ମାନେ କାହାକୁ ଘୃଣା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା ଉଚିତ। ବାବାଙ୍କର ବାସ୍ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋପମୁଦ୍ରା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠାଅ ଏଠି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ, ମୁଁ ଯେମିତି ଆସିବି କ୍ଲିୟର ଭାବରେ, ତ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହିଁ ବାରମ୍ବାର ଫଟୋ ମାନେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେହେତୁ ଆମର କ୍ୟାମେରା ସୋନି କ୍ୟାମେରା, ତ କ୍ଲାରିଟି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜବରଦସ୍ତ ଆସୁଛି। ତ ଲୋପମୁଦ୍ରା ତାଙ୍କର ପୁରା ପୋଜ୍ ନେଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ହାତ ଯୋଡ଼ି, ତ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠାଇବେ ବୋଲି ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫଟୋଟି ମଧ୍ୟ ଜବରଦସ୍ତ ଆସୁଛି, କାରଣ କ୍ଲାରିଟି ଭଲ ଆସୁଛି, ଯେହେତୁ କ୍ୟାମେରା ତ କ୍ଲାରିଟି ତ ଭଲ ଆସିବ ନା। ତ ଲୋପମୁଦ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଟୋ ଉଠିସାରିଲେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ଯେ ମୋତେ ମୋର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠାଅ, କାରଣ ତୁମେ ଉଠିଲେ ମୁଁ କେମିତି ନ ଉଠାଇବି। ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବି ଯାଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଠିଆ ହେଇଗଲି, ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଫଟୋଟା ସାଇଜ୍ କରି ଉଠା, ହଲଚଲ କରନି ବୋଲି, କାରଣ ଲୋପମୁଦ୍ରା ବାରମ୍ବାର କ୍ୟାମେରାକୁ ହଲଚଲ କରନ୍ତି ନା, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ହାତଟାକୁ ସ୍ଥିର କରି କ୍ୟାମେରାଟାକୁ ଆରାମସେ ଫଟୋଟା ଉଠାଅ, ନହେଲେ କ୍ଲାରିଟି ଭଲ ଆସିବନି। ତ କିନ୍ତୁ କ୍ଲାରିଟି ବହୁତ ଭଲ ଆସିଛି ମୁଁ ଏବେ ଦେଖିଲା ପରେ ଜାଣିପାରୁଛି। ତ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ପୁରା ଆସୁଛି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ହେଇ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଏ ଫଟୋଟାକୁ ନିହାତି ରଖାଯିବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଯାହା ବି ଆଳତିର ଆଉ ଯାହା ବି ଜିନିଷ ବାକି ରହିଥିଲା ହେଇ ନନା ଆସିକି ପୁଣି କଲେ, କାରଣ କିଛି ସମୟ ଚଢ଼ା ଯାଇଥିଲା, ପୁଣି କ'ଣ ଏଇଟା ଶେଷ ଆଳତି ନା କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯାହା ତା'ର ବିଧି ରହିଛି, ପୂଜାର ବିଧି, ବାବାଙ୍କର ଯାହା ମାନେ ବିଧି ରହିଛି ସେମିତି ହିଁ ହେବ। ତ ବାସ୍ ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଏଠି ସରିଗଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରିଯିବୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାହାରେ ଏତେ ଜୋରସେ ଖରା ହେଇଛି ଯେ ବାହାରକୁ